नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वृंदा प्रधान। एक बार फिर लेकर आई हूँ हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित एक बेहद मज़ेदार व्यंग लड़ाई। तो लीजिए शुरू करती हूँ। चोपड़ा साहब और साहनी साहब के बंगले लगे हुए थे। बीच में एक दीवार थी। दोनों एक एक कुत्ता पाले थे। कुत्ते भयंकर थे और मोहल्ले के लोग डरते डरते सड़क के दूसरे किनारे से निकलते थे। यूं चोपड़ा साहब और साहनी साहब का स्वभाव और व्यक्तित्व तो ऐसा था कि उन्हें अलग से कुत्ता रखने की ज़रूरत नहीं थी, वे ही काफ़ी थे। एक दिन पता नहीं चोपड़ा साहब का कुत्ता साहनी साहब के अहाते में घुसा या साहनी साहब का कुत्ता चोपड़ा साहब के अहाते में, पर दोनों कुत्ते सड़क पर लड़ते पाए गए। चोपड़ा साहब और साहनी साहब फौरन सड़क पर आए। पहले तो उन्होंने अपने अपने कुत्ते संभाले। कुत्ते अपने अपने मालिक की टांगों से लिपटने लगे। चोपड़ा ने कहा, 10 बार कह दिया है, अपने कुत्ते को संभाल कर रखा करो। साहनी ने कहा, तुम अपने कुत्ते को संभालो ना, वही तो हमारे हाथे में घुसाया था, न जाने किस चोर नस्ल का कुत्ता है। चोर नस्ल का कुत्ता है तुम्हारा, तुम चोर नस्ल के हो, तुम्हारा कुत्ता भी। जैसा मालिक वैसा कुत्ता, चोर तुम हो जी। PWD के ठेकेदारों से पैसा खाकर बंगला बनवा लिया है, तुम 420 हो, स्मगलिंग करके ठाट करते हो। दोनों कुत्ते अपने अपने मालिक की टांगों से लिपट कर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। कहे देता हूँ, यहाँ तुम्हारा कुत्ता आया तो गोली मार दूंगा, और तुम्हारा कुत्ता उधर आया तो उसे गोली मार दूंगा, और तुम्हें भी। तू गोली मारेगा कुत्ते की औलाद, तू सुअर के। वहां भीड़ लग गई थी। एक राहगीर ने एक आदमी से पूछा, क्यों जी, मामला क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, कुछ नहीं जी, कुत्तों की लड़ाई है। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित व्यंग लड़ाई। उम्मीद है आपको ये व्यंग पसंद आया होगा। अगले वीडियो को लेकर जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी वृंदा को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार।